सत्य और धर्म का प्रसार भी आवश्यक है। सत्य और धर्म के प्रति अन्य प्रतिबद्धित हो, ये प्रयत्न आवश्यक है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य प्रियता से सर्व प्रभावित थे। अयोध्या नगरी अपने आदर्श की ओर थी। सभा में प्रस्तावित राजसूय यज्ञ का राजा हरिश्चंद्र ने सहर्ष स्वीकार किया। अयोध्या नगरी के नगरवासियों ने भी उत्साहित हो इसका स्वागत किया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने आप को जल समर्पित किया है। इस सत्य से अज्ञान राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ के मुख्य ऋषि स्थान पर महर्षि वशिष्ठ का चयन किया और राजा हरिश्चंद्र का यह निर्णय जानकर ऋषि विश्वामित्र के क्रोध का सीमा भंग असंभव नहीं था। राजन, समग्र भारतवर्ष में राजसूय यज्ञ की घोषणा कर दी गई है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों तरफ अयोध्या नगरी और राजसूय यज्ञ की ही चर्चा है। नगरों को सुशोभित किया जा रहा है और सर्वत्र उत्साह एवं प्रसन्नता का वातावरण है। अन्य राज्यों के राजा और महाराजाओं को भी आमंत्रित किया जाए। आमंत्रण पत्रिकाएं तैयार है महाराज। हमारे दूत कल ही ये आमंत्रण पत्रिकाएं लेकर अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान करेंगे। सर्व ऋषियों को भी संपूर्ण आदर भाव से आमंत्रित किया जाए। राजन, राज्य के दूत विभिन्न राज्यों में प्रस्थान कर रहे हैं। ऋषियों का आदर व सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। मंत्रीश्री, हमने अपने अनुचर को महर्षि वशिष्ठ के मिलाप के लिए भेज दिया है। वह शीघ्र ही उन्हें लिए हुए यहां आ पहुंचेंगे। और हां, महर्षि वशिष्ठ का भी उचित आदर होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। अवश्य महाराज। सर्व नगरवासियों को सस्नेह आमंत्रित किया जाए। ज्ञान और धर्म की चर्चाओं का आयोजन किया जाए ताकि इस गोष्ठी से सर्व धन्य हो। नगर के सर्व प्राणियों को उचित आहार दिया जाए। महाराज, राष्ट्रीय यज्ञ के उचित ही सर्व आयोजन किया जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के आगमन के बाद ही यज्ञ की और तैयारियां संभव होगी। महाराज, महर्षि वशिष्ठ का आगमन शीघ्र ही संभव होगा। हम चिंतित हैं क्योंकि अब तक तो महर्षि वशिष्ठ का आगमन हो जाना चाहिए था। क्या कोई विघ्न आएगा? राजन, राजसूय यज्ञ में विघ्न कैसा, सर्व शुभ होगा, आप निश्चिंत रहिए। आप ऋषियों के आशीर्वचन से और देवों की कृपा से सर्व शुभ ही होगा। ईश्वर करे कोई विघ्न ना आए। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राजसूय यज्ञ कर रहा है। हाँ, और राजसूय यज्ञ के मुख्य ऋषि के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? महर्षि वशिष्ठ को। महर्षि वशिष्ठ? किंतु महर्षि वशिष्ठ तो जल के प्रति समर्पित है, उनका चयन कैसे हुआ? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इस बात से बिल्कुल अज्ञात है राजर्षि। आपको राजा की इस अज्ञानता को तो क्षमा ही करना चाहिए। किंतु अयोध्या नगरी की राज्य सभा में राजसूय यज्ञ के मुख्य ऋषि के स्थान के लिए सर्वप्रथम किसके नाम का प्रस्ताव रखा गया था? आपका राजर्षि, आपका राजर्षि विश्वामित्र, आपका। ये सच है? मैं ब्रह्मर्षि नारद स्वयं ये वचन कर रहा हूं। राजसूय यज्ञ के मुख्य स्थान के लिए आपका ही नाम सर्वप्रथम सूचित किया गया था। आपके नाम के पश्चात ही महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य, अंगिरा और कश्यप के नाम लिए गए थे। किंतु महर्षि वशिष्ठ के नाम का समर्थन किसने दिया? स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने।
पश्चात ही समग्र सभागण ने राजा हरिश्चंद्र की बात का समर्थन दिया। यदि राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं महर्षि वशिष्ठ के नाम का समर्थन नहीं किया होता तो समग्र सभागण ने हमारा ही समर्थन किया होता और हमें ही राजसु यज्ञ के मुख्य ऋषि के स्थान पर निमंत्रित किया गया होता। हो सकता है राजा हरिश्चंद्र को अपना विचार प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी? राजा का, स्वयं राजा के विचार का कौन विरोध कर सकता है? देवर्षि, यह अज्ञानता नहीं, हम राजा हरिश्चंद्र को क्षमा नहीं करेंगे, यह हमारा अपमान है। राजा हरिश्चंद्र, अब देख ऋषि विश्वामित्र का प्रकोप। मैं कठोर तपश्चर्या के फल स्वरूप शक्तियों को अपने वश कर अपना प्रकोप प्रकट करूंगा। राजा हरिश्चंद्र, विघ्न आ पड़ा, अब तेरे राजसूय यज्ञ में विघ्न आ पड़ा। प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी सत्यम चोक्त। पिताश्री, आप प्रश्न कीजिए। मैं जो यह दीपक सजा रहा हूँ उसका प्रयोजन क्या है? आप ही बता दीजिए क्या प्रयोजन है। आप माता से पूछ लीजिए, मैं अपने कार्यों में व्यस्त हूँ। तो आप ही हमें बताने का कष्ट कीजिए रानी तारामती, ये दीपक क्यों सजाए जा रहे हैं? यह राजसूय यज्ञ की तैयारियां हैं। ये बात है, आप बातें ही करते रहेंगे, आइए दीपक सजाइए। पुत्र रोहित, अभी तो राजसूय यज्ञ संपन्न होने में कुछ समय है, अभी तो महर्षि वशिष्ठ का आगमन भी नहीं हुआ, फिर अभी से ये दीपक क्यों? हम अंधकार को दूर भगाना चाहते हैं। अंधकार को प्रकाश से हमें दूर भगाना होगा, वो आप ही ने तो कहा था ना। पुत्र रोहित, अंधकार तो असत्य और अधर्म का भी हो सकता है, हमें धर्म और सत्य के दीपक के प्रकाश से वह अंधकार को नष्ट करना है। वही तो मैं कर रहा हूँ। यह जो दीपक है वह धर्म और सत्य के ही तो है। वह कैसे? वो ऐसे कि यह जो दीपक है वो मैं मंदिर से लाया हूँ और यह जो दीपक है वो आपकी सभा से, तो हुए ना यह दीपक, यह धर्म का और यह सत्य का। आज मैं अपने पूर्वजों को आह्वान से कह सकता हूं कि एक से एक प्रकाशित हो रहे इस दीपकों की भांति इस कुल के सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं की प्रतिष्ठा उनके वंशजों से सुरक्षित है। आप अवश्य ही जाइए, राजसु यज्ञ में आपका अवश्य स्वागत ही होगा। किंतु मैं राजा हरिश्चंद्र के इस आमंत्रण का अस्वीकार करता हूं। मेरी अनुपस्थिति राजा हरिश्चंद्र के लिए अपमान बोध होगी। ऋषि विश्वामित्र, यह अपमान हमारे लिए नहीं है। अयोध्या नगरी से आए हुए दूत ने समग्र नगर की ओर से हमें आमंत्रित किया है। राजसूय यज्ञ तो धर्म के प्रसार के कारण प्रायोजित है। धर्मानुसार धर्म के प्रसार के लिए हमें आमंत्रण का स्वीकार करना होगा। आप अवश्य ही राजा हरिश्चंद्र के आमंत्रण का स्वीकार करें, किंतु मैं राजा हरिश्चंद्र की
राजसु यज्ञ संपन्न करने की समर्थता पर संदेह व्यक्त करता हूं और ये मैं सिद्ध करके रहूंगा। आप प्रस्थान कीजिए। देवों के राजा इंद्र, स्वयं आप यहां कैसे? हमारा आगमन आपको आश्चर्य प्रदान कर रहा है और आपका यहां होना हमें आश्चर्य प्रदान कर रहा है। दिशा तो मेरी इस समय अवश्य ही स्वर्गलोक की ओर होनी चाहिए, किंतु आपकी दिशा भी इस समय अयोध्या नगरी की ओर होनी चाहिए। अयोध्या में राजसूय यज्ञ हो रहा है और इस राजसूय यज्ञ में मुख्य ऋषि के स्थान पर, क्षमा देवेंद्र, उस स्थान पर महर्षि वशिष्ठ का चयन हो चुका है। महर्षि वशिष्ठ का यह स्थान ग्रहण करना असंभव है। महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में केवल आप ही हैं जो इस राजसूय यज्ञ में मुख्य होता स्थान पर विराजमान हो सके। आपको राजा हरिश्चंद्र का आमंत्रण अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। आप हमें क्रोधित कर रहे हैं देवेंद्र। विश्वामित्र का अपना स्थान निश्चित है, उसे किसी अन्य के स्थान पर विराजमान होने की आवश्यकता नहीं। मैं विवश नहीं हूं, मैं वचनबद्ध हूं। स्वर्ग लोक में मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो हमें पूर्ण करनी है। मेरा लक्ष्य राजसूय यज्ञ के मुख्य ऋषि का स्थान ग्रहण करना नहीं, मेरा लक्ष्य है महर्षि वशिष्ठ के वचनों को मिथ्या सिद्ध करना, राजा हरिश्चंद्र को असत्यवादी सिद्ध करना। देवेंद्र, मैं अपने समग्र तपोबल से कई शक्तियों को अपने वश में कर लूंगा और उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र को अधर्म और असत्य आचरण पर विवश कर दूंगा। मेरा लक्ष्य भी सिद्ध हो जाएगा और राजा हरिश्चंद्र और महर्षि वशिष्ठ को अपमान बोध भी मिल जाएगा। मैं विश्वामित्र, मेरे प्रत्येक शब्द प्रत्येक वचन को विस्मृति से बचाकर रखिएगा। ये सिद्ध होंगे, अवश्य ही सिद्ध होकर रहेंगे।
कहता हूं कौन है वहां।